This is Bibika TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. नमस्कार, मैं हूं तरुण व्यास और आप देख रहे हैं बीबीका टीवी। आज बायोग्राफी उनकी जिन्होंने गाया था अफसाना लिख रही हूं, और बाद में उन्होंने एक्टिंग की तो ऐसी की कि लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए और वह बनी भारत की पहली हास्य अभिनेत्री। टुनटुन की बात कर रहा हूं, जो कि दिखने में उनके अंदाज से ही हंसी आ जाती थी और जब वो बोलती थी तो और हंसी आती थी, और जब जॉनी वॉकर या फिर वो केस्टो मुखर्जी के साथ नजर आती तो हम हंस हंसकर लोटपोट हो जाते थे। उन्होंने जब भी एक्टिंग की हमको बहुत हंसाया, लेकिन जीवन में बहुत कुछ दुख ऐसा जो कि हर कोई सुने तो दिल दहल जाता है, सब कुछ इस बायोग्राफी में आप जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम टुनटुन की ये बायोग्राफी। एक ऐसी अदाकारा जिनकी शुरुआत हुई गायकी से, एक ऐसी कलाकार जो ना ही मधुबाला जैसी थी सुंदर और ना ही हेलन जैसी थी उनकी काया, फिर भी उन्होंने फिल्मी दुनिया पर अपना परचम लहराया। वो बनी भारतीय सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री, उन्हें थी हमेशा अपने काम की धुन। She is none other than singer and comedian टुन टुन। मैं कली का रूप, फूलों का सिंगार, कोमलता की देवी टुन टुन। थोड़े और ले, आज भूख नहीं है माजी। आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। टुनटुन का जन्म हुआ था 11 जुलाई सन 1923 को। जगह थी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास एक छोटा सा गांव अलीपुर। टुनटुन नाम मिला था फिल्मी दुनिया से, लेकिन असल जिंदगी में बचपन में जो नाम रखा गया था वो था उमा देवी खत्री। इनका परिवार एक खुशहाल परिवार था, लेकिन जैसे ही टुनटुन 2.5 साल की हुई तब जमीन जायदाद के चक्कर में रिश्तेदारों ने इनके माता पिता की हत्या कर दी थी। जमीन जायदाद के इस खूनी खेल में बचे तो सिर्फ 2 बच्चे, 9 साल की उम्र का हरी और उसकी छोटी बहन 2.5 साल की उमा। दोनों बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीन लिया गया, लेकिन उमा की जिंदगी में अभी इससे भी ज्यादा परेशानियां आना बाकी थीं। जब 5 साल की हुई तब उन्हीं खूनी रिश्तेदारों ने इनके बड़े भाई हरी को भी मौत के घाट उतार दिया। 5 साल की छोटी सी उम्र में उमा की पूरी जिंदगी वीरान हो चुकी थी, वो पूरी तरह से अनाथ कर दी गई। माता पिता के बारे में तो टुनटुन को कुछ भी याद नहीं था, बस रो रो कर अपने भाई को ही याद किया करती थी, क्योंकि हरी उनका बेहद ख्याल रखता था। अब अनाथ उमा के सर पर रिश्तेदारों का साया था, घर में उन्होंने पनाह दी, खाना दिया, पर एक नौकरानी की हैसियत से वो उमा को रखा करते थे। उमा की पढ़ाई के बारे में कोई नहीं सोचता था, पर जिसके भाग्य में कुछ बनना लिखा होता है उसके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं और पूरी कायनात जोर लगा देती है। टुनटुन के साथ भी ऐसा हुआ। जैसे ही टुनटुन यानी उमा देवी थोड़ी बड़ी हुई तो इनका एक दोस्त बन गया, और वो दोस्त ऐसा था जो बड़ा सुकून देता, खुशी देता और हमेशा गुनगुनाने के लिए कहता था। उस दोस्त का नाम था रेडियो। रेडियो पर अक्सर गाने सुनती थी और गुनगुनाया करती थी, और गीतों से तो ऐसा प्रेम हो गया था कि संगीतकार कौन है, गायक कलाकार कौन है, इसके साथ साथ ही गीतकार के नाम भी याद कर लिया करती थी टुनटुन। लेकिन सामाजिक परिवेश में उमा को रिश्तेदारों ने नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा। अक्सर वो सभी रिश्तेदार इन्हें अपने घर में काम पर बुलाया करते थे। हमारी उमा ही को देखो, बेचारी की ना माँ ना बाप, शुरू से अपने मामा के पास रहती थी, अब के मैं घर गई तो साथ ले आई। कोई शादी होती या कोई फंक्शन होता तो नौकरानी के तौर पर इन्हें एक दूसरे के घर भेज दिया जाता था। हैं? आप लोगों ने खाना भी शुरू कर
दिया और बिटिया तो अब तक आए नहीं। उन दिनों दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ अक्सर घरेलू काम के सिलसिले में इनका आना जाना लगा रहता था। वहीं एक दिन इनकी मुलाकात हुई अख्तर अब्बास काजी से। काजी उस वक्त आबकारी विभाग दिल्ली में इंस्पेक्टर के पद पर थे। काजी साहब वो शख्स थे जिन्होंने उमा के सपनों को समझा और उन्होंने उन्हें सहारा देने का वादा भी किया। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि काजी साहब को लाहौर की तरफ रुख करना पड़ा और दूसरी ओर उमा देवी का फिल्मों में गाना गाने का सपना अब धीरे धीरे जुनून का रूप लेने लगा था। और उस वक्त इस दीवानगी को पूरा करने में साथ दिया एक दोस्त ने। ये दोस्त दिल्ली में रहा करती थी और वहीं नौकरी किया करती थी और कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ उस दोस्त की जान पहचान भी थी। उमा देवी ने जब उससे बात की तो उस दोस्त ने उमा देवी को मिलवाया डायरेक्टर नितिन बोस के असिस्टेंट हुसैन से। साल था 1946, उमा देवी की उम्र थी 21 साल। ओ मैडम देख के नहीं चलता, अंदर। ओ ओ ओ माय गॉड, ये रेलवे वाला किराया पूरा लेता है, दरवाजा आधा बनाता है आधा, नेवर माइंड। ओ वो गांव से भागकर बंबई आ गई अपने फिल्मी सफर को पूरा करने के लिए। जब अकेली गांव से भागकर आई तो रहने का क्या ठिकाना होता। ऐसे में उमा देवी को डायरेक्टर नितिन बोस के सहायक हुसैन ने अपने घर में पनाह दी। बाबा बाबा, क्या शहर है ये? ओहो, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अरे ये कबूतर खाना, माता जी ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी किसकी है? उमा दीदी, उमा दीदी की है। और फिर कुछ ही दिनों बाद इनके दो दोस्त बने और उन दोनों का नाम है अभिनेता और निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी। ये दोनों मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। इन दोनों से मिलकर उमा देवी बहुत खुश हुई और गोविंदा के माता पिता ने इनकी मदद भी की। उमा देवी को अलग अलग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलवाया। इस तरह उमा देवी का बम्बई में फिल्मी संघर्ष शुरू हो गया। और एक दिन इन्हें पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है दर्द। तो बस क्या था, उनका एड्रेस लेकर उनके पते पर पहुंच गई। हालांकि इससे पहले कभी कारदार साहब से मिली भी नहीं थी उमा देवी। स्टूडियो में पहुंची तो खुद कारदार साहब सामने खड़े थे और उमा देवी ने उन्हीं से पूछ लिया, कारदार साहब कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है क्योंकि मैं उनकी फिल्म में गाना गाने आई हूँ। उमा देवी बचपन से ही बोलने में ऐसी ही बेबाक थी। कारदार साहब को उनका ये भोलापन और बेबाक अंदाज बहुत पसंद आया, इसीलिए संगीतकार नौशाद साहब के असिस्टेंट गुलाम मोहम्मद को उमा देवी का टेस्ट लेने के लिए कह दिया गया। और जब टेस्ट चल रहा था तो उमा देवी ने अपनी फेवरेट सिंगर नूरजहां की फिल्म जीनत का गीत सुना दिया, आंधियां गम की यूं चली। गुलाम मोहम्मद इन्हें सुनकर ये तो समझ गए कि उमा देवी ने कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली है, पर उमा देवी की मीठी आवाज गुलाम मोहम्मद को बहुत पसंद आई। ठंडी हवाई लहरा के आई, हम हे जवा तुम हे सहा। पर अभी नौशाद साहब की हाँ बाकी थी। नौशाद साहब जैसे बड़े संगीतकार के साथ काम करने का सपना हमेशा से उमा देवी का एक सपना था, पर इस तरीके से वो पूरा होगा ये किसे पता था। उमा देवी अब सीधा पहुंची नौशाद साहब के घर और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। आखिरकार नौशाद साहब ने दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर आए तो टुनटुन ने कह दिया, मुझे तो बस आपके साथ काम करना है, अगर आप हाँ नहीं करेंगे तो मैं समुन्दर में कूद जाऊंगी। नौशाद साहब कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है और क्या बात है, करें तो क्या करें। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उमा देवी ने अपनी बात पुरजोर तरीके से दोहरा दी, आप हाँ करते हैं या फिर मैं समुन्दर में जाकर कूद जाऊं। नौशाद साहब भी अब उमा देवी की बेबाकी और गाने के प्रति दीवानगी देखकर हैरान थे। उन्होंने भी फिर उमा देवी को हरी झंडी दे दी। अब उमा देवी की आंखों में चमक आ चुकी थी, सपना पूरा होने वाला था और वो भी उनके साथ जिनके साथ काम करने का सभी का सपना हुआ करता था।
उमा देवी ने जब गाया तो गाना स्टूडियो के सभी लोगों को बहुत पसंद आया और इस तरह फिर 500 रुपए महीने की नौकरी पर उमा देवी को रख लिया गया। उमा देवी को पहला मौका देने वाली फिल्म बनी दर्द। पहला गीत था आज मची है धूम। आज मची है धूम। दूसरा बेताब है दिल। बेताब है दिल। और तीसरा अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। ये कौन चला है, ये कौन चला। दर्द फिल्म में एक गीत ऐसा था जिसे सुरैया के साथ मिलकर गाया था उमा देवी ने। वो गीत था बेताब है दिल। बेताब है दिल, दर्द मोहब्बत के असर से। ये गीत बड़े हिट रहे। पर अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का ये गीत अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया था, लेकिन जब सुरैया ने ये गाना सुना था तो वो सोचती थी काश ये गाना मुझ पर फिल्माया जाता, ये गाना बहुत ही सुपर हिट गाना होने वाला है। ये बात भी गौरतलब है कि सुरैया उस वक्त बहुत बड़ी अभिनेत्री और एक बड़ी गायिका के रूप में मशहूर थी। आखिरकार जैसा सुरैया ने सोचा था वैसा ही हुआ। ये गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि आज भी लोगों के जहन में ये गाना बसा हुआ है। इस गाने के साथ ही उमा देवी रातों रात एक स्टार बन गई। गीत लोगों की जबान पर चढ़ गया और दूसरी तरफ लाहौर पाकिस्तान में बैठे अख्तर अब्बास काजी के दिल में भी जा बसा और वो बेचैन हो गए उमा देवी से मिलने के लिए। फिर पाकिस्तान से भारत का सफर किया। पहले भी वो उमा देवी के सपनों को साकार करने के लिए साथ देना चाहते थे, पर उन्हें तो काम के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ गया था। लेकिन इस बार तो वो अपनी जिंदगी उमा देवी के नाम करने आए थे, इसीलिए भारत आ गए और फिर उमा देवी से उन्होंने प्यार का इकरार कर लिया। उमा भी प्यार से उन्हें मोहन बुलाती थी और इस तरह फिर सन 1947 में अख्तर अब्बास काजी और उमा देवी की शादी हुई। 1948 में रिलीज हुई थी अनोखी अदा, इसमें भी उमा देवी के दो गाने थे, लेकिन इस बार दोनों ही सोलो गीत थे, काहे जिया डोले और दिल को लगाए। ये दोनों ही गाने बड़े हिट हुए थे। काहे जिया डोले वो कहां नहीं जाए। अब इतने सारे हिट गानों के साथ उमा देवी सफल गायकों में शुमार हो गई और अब जेमिनी स्टूडियो की जान बन गई उमा देवी। साल 1948 में चंद्रलेखा फिल्म रिलीज हुई थी, इसमें 7 गाने गाए थे उमा देवी ने। और फिर सन 1949 में रिलीज हुई थी सुपरहिट फिल्म महल। इस फिल्म में गीत था आएगा आने वाला, जो कि विनय सुंदरी मधुबाला पर फिल्माया गया था और इस गीत को गाया था उमा देवी ने। जी हाँ, ये गाना टुनटुन ने ही गाया था, लेकिन कारदार स्टूडियो ने कहा कि आपका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से आप किसी और फिल्म में नहीं गा सकती। और इसी कारण फिर उमा देवी का गाया हुआ ये गीत फिल्म में इस्तेमाल नहीं हुआ और इस गीत को फिर से रिकॉर्ड किया गया और इस बार लता मंगेशकर की आवाज़ थी। फिल्मों में गीत गाते गाते अब उमा देवी तकरीबन 45 गीत गा चुकी थी और इनमें ज़्यादातर गाने हिट गीत थे। पर जब माँ बनने की बारी आई तो उमा देवी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपने बच्चों के पालन पोषण में लग गई। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी और का प्यार भी चाहिए। प्यार? किसका प्यार? अपने पति का प्यार, अपने बच्चों का प्यार, आप लोग समझते क्यों नहीं। लेकिन बच्चे होने के बाद अब पतली दुबली उमा का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब उमा को लगा कि अब मैं फिल्मों के लिए समय निकाल सकती हूँ, यही सोचकर उमा देवी चल पड़ी संगीतकार नौशाद साहब से मिलने। लेकिन अब बहुत वक्त बीत चुका था, लता मंगेशकर और बहुत सी दूसरी सिंगर्स फिल्मी दुनिया में अपने पांव जमा चुकी थी। तब नौशाद साहब ने उमा देवी से कहा, अब समय बहुत बदल चुका है उमा, ये सारी गायिकाएं संगीत की शिक्षा लेकर आई हैं और काफी सफल भी हो रही हैं, अब इन सब के बीच में तुम्हें जगह बनाना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है तुम्हें गाना छोड़कर अभिनय की दुनिया में चले जाना चाहिए। उमा देवी बहुत शांति से ये सब कुछ सुन रही थी। यहाँ ये बात गौरतलब है कि उमा देवी अपनी मर्जी की मालकिन थी और मस्त मौला थी, उनका अंदाज सबसे जुदा था, इसीलिए फिर नौशाद साहब के सामने अपनी बेबाकी वाली शर्त रख दी उमा देवी ने। कह दिया
अभिनय की दुनिया में अगर एंट्री करूंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार साहब के साथ, नहीं तो मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगी। ऐसे ही एक इंटरव्यू में भी खुद मस्तमौला उमा देवी ने इस बात का जिक्र किया था और बड़े हंसते हुए कहा था, फिल्मों में वैसे तो मैं हीरोइन का रोल करती, पर परेशानी ये थी कि दिलीप साहब को सिंगल हीरोइन चाहिए थी और मैं तो डबल से कहीं ज्यादा दिखती हूँ, इसीलिए मैं उनकी हीरोइन नहीं बनी। ये कहकर फिर बहुत जोर से हंसने लगती थी टुनटुन। ऐसी थी टुनटुन। अरे हम भी किसी जमाने में जवान थे, लोगों का कहना है खूबसूरत भी थे, तब हमारी भी कमर पतली थी, नजर तिरछी थी और गर्दन बहुत सुराईदार थी ऐसी। उमा देवी का नाम टुनटुन कैसे पड़ा ये भी बड़ी कमाल बात है। ये बात है सन 1950 की, फिल्म थी बाबुल। इसमें दिलीप कुमार के साथ काम किया था उमा देवी ने और अपने नेचर के अकॉर्डिंग ये मस्ती भरे अंदाज वाला अभिनय था। फिल्म के एक सीन में दिलीप कुमार से टकराती हैं उमा देवी और गिर जाती हैं। उसी सीन में अचानक दिलीप कुमार के मुंह से निकल गया था, अरे भाई इस टुनटुन को कोई उठाओ। और टुनटुन सुनते ही उमा देवी को ये नाम इतना यूनिक लगा कि बहुत पसंद आया और फिर उन्हें लगा कि ये मेरी पर्सनैलिटी पर भी सूट कर रहा है, क्यों ना यही नाम रख लिया जाए। और फिर सभी लोगों ने ये कह भी दिया, हाँ ये नाम आप पर सूट कर रहा है। और उसी दिन से फिर उमा देवी हमेशा के लिए टुनटुन बन गई। उस वक्त ना तो उमा देवी को इस बात की खबर थी और ना ही किसी और को ये इल्म था कि इस नाम से फिल्मी दुनिया में आगे चलकर उमा देवी बहुत लंबी पारी खेलेंगी और पारी खेलने के साथ साथ ही भारत की पहली हास्य अभिनेत्री भी बन जाएंगी। साल 1950 में रिलीज हुई इस फिल्म बाबुल में इनका रोल तो छोटा सा था, पर लोगों ने इस अवतार को बहुत सराहा था। मेरे को मस्ती करने में बड़ा मजा आता है। इसके बाद सन 1951 में दीदार, 1953 में बाज, 1954 में गुरुदत्त की फिल्म रिलीज हुई थी आर पार, जिसमें टुनटुन नजर आई। अरे रुस्तम तुम बहुत जल्दी आ गया। मिस्टर कालू प्लीज मेरा बेबी को छोड़ा लो, हम थोड़ा आगे पे बैठ के आता। जाओ बाबा, ले बाबा, थैंक यू। साल 1955 एक बार फिर से गुरुदत्त के साथ आया और वो मशहूर फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55। इसमें भी टुनटुन ने ऐसा अभिनय किया कि लोग उनकी अदायगी के कायल हो गए। अंदर का मिशनरी तो चालू है ना? एकदम चालू है, खाली पीली ढोंगरा चाहता है इसलिए कि हम इससे 3 महीने का किराया और खाने पीने का बिल ना मांगे, पर हम इस पर तरस नहीं खाएगा। तरस मत खाना, मगर भेजा भी तो मत खाओ पापा। तुम चुप रहो। 1955 की ही फिल्म थी मरीन ड्राइव। इसमें मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर की बीवी बनकर आई टुनटुन और दोनों ने मिलकर सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा एक्ट किया कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। आपको ये सुन के खुशी होगा, हमारा पहले 6 हस्बैंड था। 6 हस्बैंड? ओ गॉड, मगर वो सब किधर है पुअर कैट? वो सब मर गया, बेवफा निकला। सबका एक एक निशानी है। निशानी है ना, मगर हम तो बगैर निशानी के ही जाएगा दिखता है। ओ गॉड। और फिर साल 1957 में गुरुदत्त की जानी मानी फिल्म प्यासा रिलीज हुई। इसमें अपने शरारती बच्चों के पीछे भागती कॉमेडी करती ये गुरुदत्त के साथ नजर आई। ये बच्चे तुम्हारे हैं ना? अपने बाप के भी, ये गुल्लू वो फुल्लू, और बाप का नाम भी कुछ मिलता ही जुलता है। इसके बाद 16 सावन, फिर सुबह होगी, ऐसी कई फिल्में आई और साल 1958 में लाजवंती फिल्म में प्यासा की तरह कई बच्चों की माँ बनकर कॉमेडी करती नजर आई टुनटुन। अरे भाई मैडम को पानी वानी पिलाओ। हमको पानी नहीं पीने का, हम लोग को दूध पीने को मांगता है। कम ऑन दूध पिएगा जाओ। और इसके एक साल बाद सन 1959 में टुनटुन ने गुरुदत्त की अगली फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था कागज के फूल। आगे चलकर टुनटुन की जंगल किंग, कोहिनूर, दिल भी तेरा हम भी तेरे ऐसी कई फिल्में आई और साल 1960 में फिल्म रिलीज हुई दिल अपना और प्रीत पराई, जिसमें ये महान चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश के साथ नजर आई। ये धारी भैया, ये कौन सी बीमारी है? कैंसर। कैंसर, ये क्या बीमारी होती है?
साल 1960 के दशक के आते आते फिर टुनटुन फिल्मों की ऐसी जान बन गई कि कॉमेडी के लिए लगभग सभी निर्देशक अब टुनटुन को फिल्म में लेना चाहते थे। जहाँ रात हुई वहीं है मकान अपना। उठाई दे रहे हैं क्या आप? अब तो टुनटुन के लिए स्पेशल रोल भी लिखवाए जाने लगे थे। वहीं जाने माने बेहतरीन मेल कॉमेडियन के बीच सिर्फ एक टुनटुन ही थी जो कि फीमेल कॉमेडियन आर्टिस्ट थी। इसीलिए टुनटुन की जोड़ी भगवान दादा, जॉनी वॉकर, केशतो मुखर्जी, सुंदर मुकरी ऐसे कई हास्य अभिनेताओं के साथ बनने लगी। मेरी प्यास बुझा दो। प्यास? इतने रात को खाओगे? प्यास नहीं, पानी का। और सिल्वर स्क्रीन पर ये जोड़ियां धमाल करने लगी। हर निर्माता निर्देशक की पसंद बनी टुनटुन ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। ये क्या है? मसालेदार आलू। आलू दालू। टुनटुन की प्रसिद्धि का ये हाल रहा कि साल 1950 से लेकर 1982 तक शुरुआती दौर में तो हर साल तकरीबन 12 से 13 फिल्मों में नजर आई। उसके बाद हर साल 5 से 7 फिल्मों में नजर आती ही थी टुनटुन। और टुनटुन ने ऐसे कर तकरीबन 163 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1982 में रिलीज हुई थी सुपरहिट फिल्म नमक हलाल। इसमें भी टुनटुन बेहतरीन अभिनय करती नजर आई। आप लोगों ने मेरे कुत्ते ने मार डाला। देखते भी जहर थी। और इसके 2 साल बाद अब टुनटुन ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था। ये दौर था सन 1984 से 1990 तक का। इसमें टुनटुन ने बहुत ही कम फिल्में की। साल 1985 में 3 फिल्में रिलीज हुई। वहीं फिर 1986 के बाद से हर साल सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया। 1986 की फिल्म थी खेल मोहब्बत का। 1987 में दीवाना तेरे नाम का। 1988 में एक आदमी। 1989 में शहजादे। और 1990 में कसम धंधे की। ये इनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद टुनटुन ने फिल्मों में काम नहीं किया। कारण था सन 1990 में टुनटुन के पति अख्तर अब्बास काजी का निधन हो जाना। अख्तर को वो अक्सर मोहन बुलाती थी। उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद टुनटुन ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने परिवार के साथ घर में ही रहने लगी। टुनटुन के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे, साथ ही 4 पोते और पोतियां भी हैं। टुनटुन पहली ऐसी अदाकारा रही हैं जिन्होंने बिना किसी की परवाह किए एक अलग कॉमेडी अंदाज में लोगों के सामने खुद को पेश किया था। जहां दुनिया मोटापे से परेशान होकर अपने आप को कोसती हैं, वहीं टुनटुन ने अपने मोटापे को ही अपना हथियार बना लिया, अपनी अलग ही मिसाल कायम की और दुनिया को ऐसा संदेश दिया कि अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मंजिल के रास्ते खुद ब खुद आपके सामने आते चले जाएंगे। टुनटुन ने पहले अपनी आवाज़ से और फिर अपनी अदायगी से सबके दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उनका नाम सोचते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब टुनटुन 75 साल की थीं, तब एक बार उन्हें एक टीवी शो में बुलाया गया। शो में इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे टॉम अल्टर। 75 साल की उम्र में भी टुनटुन का मस्तमौला अंदाज और मजाकिया स्वभाव देखकर टॉम अल्टर भी हैरान हो गए थे। मेरी तो उम्र ही अभी 16 साल की है, मैं कहां से शादी करूं? अच्छा लड़का मिलेगा, करेंगे। वैसे दिलीप साहब ने ऑफर भेजी थी मुझे, फिर मैंने बोला अभी नहीं, मेरी उम्र छोटी है। टुनटुन के साथ ये खास बात थी कि जैसी वो पर्दे पर नजर आती थी वैसी ही नटखट और मजाकिया वो असल जिंदगी में भी थी। यानी रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई अंतर नहीं था, कोई बनावटीपन नहीं था। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में टुनटुन ने 196 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हालांकि पहली महिला हास्य अभिनेत्री होने के बाद भी किसी भी फिल्म के लिए फिल्मी दुनिया ने टुनटुन को कोई भी अवार्ड नहीं दिया। पर फिल्मी दुनिया में जो उनका नाम हुआ वैसा किसी का नहीं हुआ। दर्शकों ने टुनटुन को जी खोल कर प्यार दिया और ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। टुनटुन अपने आप में ही एक अवार्ड है। और इतना सारा काम करके ये फिल्मी सितारा साल 2003 में 23 नवंबर को 80 साल की उम्र में इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। सबको हंसाने वाली टुनटुन हमेशा के लिए खामोश हो गई। टुनटुन की मौत एक लंबी बीमारी से हुई थी। टुनटुन चली गई और पीछे छोड़ गई अपनी ऐसी विरासत जो उन्होंने
पहली भारतीय हास्य अभिनेत्री बनकर कमाई थी। टुनटुन जैसे विरले लोग इस दुनिया में बहुत ही कम जन्म लेते हैं जो अपनी परेशानियों और दुखों को भुलाकर दुनिया का सबसे कठिन काम करती रहीं, सबको हंसाने का काम। ऐसी थी टुनटुन। टीवी का टीवी सलाम करता है इस गायिका को और अभिनेत्री को जिन्होंने भारतीय सिनेमा को पहली हास्य अभिनेत्री दी, और ऐसी दी कि उसके बाद में बहुत से लोग आए, पर टुनटुन की जब भी बात होती है अपने आप बरबस नाम से ही हंसी छूट आती है। तो इस बायोग्राफी में आपने बहुत कुछ जाना, अब किसकी बायोग्राफी होगी वो थोड़ा सा हम सस्पेंस जो है नहीं रखेंगे, नहीं रखते ना, ठीक है। चलिए बताते हैं किसकी बायोग्राफी होगी। बड़ी खूबसूरत है वो, और उन्होंने राजेश खन्ना के साथ जब भी एंट्री मारी तो सुपरहिट फिल्में थी। अब आप सोचिए वो कौन है, इंतज़ार करिए इस बायोग्राफी का। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। हाँ, सोचते रहिए क्या है, मालूम नहीं चला, चलिए बताएंगे आपको, बताएंगे कुंजम कुंजम धीरे धीरे। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में, और हाँ सोचते भी रहिए।